हाय गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। हाय सरमाद भट्ट, हाउ आर यू? हाय केतन, वेलकम वेलकम। सो आई एम गिविंग यू ऑल द लिंक्स हियर इन द चैट सो दैट यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ प्रेजेंटेशन which I have created for you today for the overview. And hi Flora, hi Pavan. Hi Marine, hi Thalayan, hi Ketan, hi Sarmat. Wow, everybody is here. Great, great, great. So I'll be starting the session in another 5 minutes. Let's wait for some people. I think around 8-10 people have come up here. 11 people have come. Let's wait for around 15 to 20. After that, we'll start. I think hi, Shailesh ji. How are you? Shailesh ji is a good friend. I have been to his place at Dhule and I've had food with him. Hope you are great, Shailesh ji. Very safe and sound during corona times. It's been very challenging nowadays. Akash ji, hi. VJM, hi VJM. Hi Akriti. Everybody is coming in. Great to see you all. Hi Akash, I know you are from Nepal. I have never been to Nepal actually. I want to visit Nepal. Maybe once the corona thing goes down, I'll surely come in. Maybe I'll meet you. Hi Mahesh. Hi Mahesh Vijay. How are you? Welcome. Welcome to this overview session. We are going to have fun today and there'll be a lot of learning. So please keep your mind open. And I plan to give everything out so that you guys have a lot of fun and, you know, get inspired to open your own restaurant business down the line. Hi Sumit, hi Sanket, hi Anshil. I hope I have pronounced it right. Anshil Agarwal. It's a very unique name actually. Hi Vikshit Shettigar, hi. So all you all are very very active on the WhatsApp group, so it's so nice to have you all here. Hi Parvez, hi Yogesh. So I hope everybody has downloaded the PDF. If not, let me put the link over here. There is a drive link, so you'll need to log into your Gmail thing, and then probably you can download it. PDF presentation is here. PDF presentation यहाँ पे मिलेगी आपको. आप जाके क्लिक लिंक पे क्लिक कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए वहां से. इज हिंदी फाइन फॉर एवरीबडी?
आई मीन आई एम कूल विद हिंदी, आई लव हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा. हाउ डू यू थिंक वी शुड डू? इनफैक्ट आई डू अ मिक्स ऑफ बोथ, सो किसी को निग्लेक्ट नहीं होता है हिंदी, और हिंदी में भी बात करता हूँ. इनफैक्ट हिंदी में ज्यादा ज्यादा एक्सप्रेशन और ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं हम लोग. सो दिस इज द लिंक, ये वाला लिंक है, ये वाला लिंक पे आप जाइए, ये चैट विंडो में आपको लिंक मिलेगा, ये लिंक पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए. वीडियो होने के बाद, हमारा ये वाला ओवरव्यू होने के बाद, मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया है आपको. वो होमवर्क का लिंक जो है वो आपको वीडियो होने के बाद यहाँ पे जाके फिल करना है. ये वाला लिंक है. आई नो मैं थोड़ा सा आपको काम दे रहा हूँ, बट कैसा है, काम किए बगैर तो सक्सेस मिलता नहीं है ना. सो ये वाला जो लिंक है, ये आपको वीडियो देखने के बाद भरना है जाके, और वो भरने के बाद आपको एक बैच, एक लिंक मिलेगा. वो लिंक पे जाके आप आपका अवार्ड बना सकते हैं. तो ये स्टेप 3 होगा. स्टेप 1 आपको वीडियो देखना है, ये वाला. स्टेप 2 आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो स्टेप 3 ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगा, और वो स्टेप जो आएगा उसमें जाके आप आपका खुद का अवार्ड बना सकेंगे. तो अभी मत बनाइए अवार्ड, पहले स्टडी कर लीजिए. एग्जाम के पहले रिजल्ट नहीं आएगा, हालांकि अभी कोरोना में सब बच्चों को एग्जाम दिए बगैर ही रिजल्ट मिलेगा. बट क्या कर सकते हैं, अभी सिचुएशन ही ऐसा है तो. बट अदरवाइज पढ़ाई करने के बाद ही अवार्ड लीजिएगा तो क्या है, फिर वो अवार्ड का वैल्यू रहेगा. सो लेट स्टार्ट. चालू करता हूं मैं, स्क्रीन शेयर कर लेता हूं. लेट स्टार्ट द स्क्रीन, और मेरा प्रेजेंटेशन रेडी है आपके लिए. आपको भी मैंने ये लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पे जाके आप ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, और हम लोग स्टार्ट करेंगे. शैल वी स्टार्ट? टाइप स्टार्ट इन दी चैट विंडो. एवरीबडी इज रेडी? आई थिंक अराउंड 35 पीपल हैव कम. लेट्स नॉट वेट बिकॉज इट इज अराउंड 6:06 हो गए, और एक 3-4 मिनट रुके क्या आप, क्या बोलते हो? आई डोंट माइंड, आई विल स्टे. 3-4 मिनट और रुक सकते हैं. स्टार्ट एवरीबडी सेइंग स्टार्ट. फ्लोरा इज सेइंग स्टार्ट. ए इज स्टेइंग स्टार्ट. अभिषेक गदादे इज स्टेइंग, यस सर. ओके, ग्रेट. शैलेश जी बोल रहे स्टार्ट. अभिनय चौहान जी बोल रहे स्टार्ट. नागेश जी बोल रहे यस. आकृति जी बोल रही है स्टार्ट. ग्रेट. लेट स्टार्ट. ये वाला बैनर मैं एक बार हटा देता हूं. आ गया ये बैनर. हाइड. ग्रेट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा ओवरव्यू है रेस्टोरेंट लॉन्च फॉर्मूला के बारे में, और रेस्टोरेंट लॉन्च फॉर्मूला में आपका सबका स्वागत है. आप सब, आप जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आप एक क्वाइट विंडो, एक क्वाइट रूम में जाइए, एक शांत रूम में जाइए. सब डिस्ट्रैक्शन, ये आपका नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, ये पैप ऐप वो सब बंद कर दीजिए. एक शांत लोकेशन में जाके बैठ जाइए, और शांत लोकेशन में एक पेन और एक बुक लेके, नोटबुक लेके बैठ जाइए, बिकॉज आपको बहुत सारे नोट्स लेने हैं. ये ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने कहा है कि व्हाट्सएप ट्रेनिंग का आपको फ्री में ज्वाइन करने मिला है, बट ये फ्री है, इसका मतलब उसको एकदम इजीली, जनरली फ्री होने के बाद लोग बोलते हैं यार पैसा नहीं दिया तो चल जाता है, बट ऐसा मत कीजिए. ये ट्रेनिंग आपका लाइफ चेंज कर सकता है, तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए आप. हम लोग सब यहाँ पे सीखने आए हैं, तो प्लीज बी ओपन टू लर्निंग. आप लर्निंग के लिए ओपन दीजिए. आपके दिमाग में ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही करता है, मैंने तो ये ऐसे ही किया था. खास करके जिन लोगों का रेस्टोरेंट से पहले ताल्लुक हुआ है, उनके पास सब एक सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, उनको थोड़ा साइड में रखिए, और एक क्लीन स्लेट लेके, एक
यू नो वो जो स्लेट रहता है वो स्लेट क्लीन लेके माइंड ओपन माइंड से एक ओपन थिंकिंग से आप आइए। मेरा नाम गोपाल कामत है, मैं एक रेस्टोरेंटर हूँ और होटेलियर हूँ और फाउंडर हूँ गेट योर रेस्टोरेंट का। मेरा गोविंदाश्रम नाम से 3 रेस्टोरेंट्स बॉम्बे में है और मेरा खुद का 40 रूम का रिसोर्ट है कॉल्ड कामत रेसिडेंसी नेचर रिसोर्ट और उसके साथ एक 8,000 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट है, इट इज कॉल्ड एज कामत गोविंदा, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स ऑन द मुंबई गोवा हाईवे। और हमारा बॉम्बे में गिरगांव, डोंबिवली और कल्याण, यहाँ पे गोविंदाश्रम नाम से हमारे फैमिली के रेस्टोरेंट्स हैं। मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है खुद के रेस्टोरेंट्स रन करके। मैंने कंसल्टिंग में मल्टीपल रेस्टोरेंट्स सेटअप किए हैं पैन इंडिया पे, अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट सेटअप किए हैं और उससे मुझे काफ़ी सीखने मिला है और काफ़ी जानने मिला है अबाउट दिस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। मैं मुंबई में रहता हूँ मेरी वाइफ और 2 डॉटर्स के साथ में। सो आज क्या कवर करेंगे हम लोग? आज हम लोग बात करेंगे कल से जो 3 दिन कवर करने वाले हैं, राइट लोकेशन कैसे सिलेक्ट करना है, राइट टारगेट कंसेप्ट कौन सा रहना है आपका, कौन सा कंसेप्ट रहेगा और ये कंसेप्ट है वो कौन से टारगेट क्लाइंटील को मैच करेगा। ये 3 चीजों पे अपने को हम लोग अभी अपने को मतलब ये थोड़ा बॉम्बे टाइप लैंग्वेज आ जाता है तो अपने को ये 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करना है 3 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 9th, 10th, 11th और वेन एवर यू आर सीइंग दिस वीडियो आफ्टर दैट। सो पहले ये चीजों के बारे में हम कल परसों और तरसों बात करेंगे बट फिलहाल के लिए मिथ्स अबाउट द रेस्टोरेंट बिजनेस सीख लेते हैं। क्या क्या भ्रम है रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहला भ्रम यह है कि रेस्टोरेंट ओनर जो है उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ या नए जो लोग रेस्टोरेंट ओन करने वाले उनको लगता है कि सिर्फ रेस्टोरेंट ओनर्स ही रेस्टोरेंट चला सकते हैं, बाकी का कोई चला नहीं सकता। दूसरा मिथ है कि आपको होटल मैनेजमेंट का डिग्री करना पड़ता है तो ही आप रेस्टोरेंट चला पाते हैं। और तीसरा जो ये मिथ है ये है आपको कोई बिजनेस फैमिली में बॉर्न होना चाहिए, उसके बाद ही आप बिजनेस कर पाते। सो लेट मी गिव यू द फैक्ट, इट इज ऑल बुलशिट, ये सब फेक है, ये सब बोलते ना एक भ्रम है या फिर एक थिंकिंग है, रॉन्ग थिंकिंग है किसी का। इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट, ये आपका माइंडसेट कैसा है उसके ऊपर सब है। सो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट चेन्स जिन्होंने स्टार्ट किए हैं उनको रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में पहले से कोई एक्सपर्टीज नहीं थी। मेरे दादाजी जो आए यहाँ पे जिन्होंने 2 या 3 रेस्टोरेंट्स बनाए, उनको गांव से आए थे, वो तो अनपढ़ थे, उन्होंने कुछ सीखा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने खुद रेस्टोरेंट बनाया। मेरे दादाजी तो खैर गांव से आए थे, हम लोग अमेरिका में अभी जो मैकडोनल्ड्स का बर्गर आप खाते हैं उसके ओनर के बारे में बात करेंगे, जो रे क्रॉक था, ही वॉज अ मिक्सर सेल्समैन, वो मिल्कशेक का जो मिक्सर है वो मिल्कशेक का मिक्सर बेचता था रेस्टोरेंट्स को और उसने ये कंसेप्ट के बारे में जाना और फिर उससे उसने वो फ्रेंचाइजी लेके उसने वो खरीद के फिर बढ़ाया। कर्नल सैंडर्स का जो KFC का आप केंटुकी फ्राइड चिकन खाते, जो फ्राइड चिकन आप खाते हैं, वो भी कोई होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं थे। सो द बेसिक थिंग इज अगर आपको सक्सेस चाहिए तो 100% में से 80% आपका माइंडसेट होता है और 20% आपका स्ट्रैटेजी होता है। तो स्ट्रैटेजी जो है क्या करना है कैसे सोचना है इस चीज के बारे में, उसको कैसे एनालाइज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन माइंडसेट के बारे में आपने पहले सीखना चाहिए। इसके लिए मैं फर्स्ट ओवरव्यू सेशन में इस चीज को हैमर कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको कितना भी स्ट्रैटेजी दे दूं, मैं आपको कितना भी दे दूं, अगर आपके पास माइंडसेट ही नहीं है, अगर आपने आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप खुद कर पाएंगे, तो फिर मैंने कितना भी आपको सीक्रेट्स दे दिया, मैंने पूरा मेरा जो बुक खोल दिया आपके सामने, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू हैव दिस इन माइंड, माइंडसेट पे ज्यादा वर्क कीजिए, बिलीफ इन योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट हैविंग द विनिंग माइंडसेट। आपको विनिंग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, कोई भी कुछ भी कर सकता है जब तक उसको खुद पे भरोसा है। ये जिन्होंने बिजनेस किया है उनको मालूम है, लेकिन जिन्होंने बिजनेस नहीं किया है उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है, अरे अगर मैं गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अरे क्या हो जाएगा? अगर आप फेल हो गए तो भी उसमें से सीखोगे और अगर आप फेल हो गए तो आप और उसमें से ज्यादा आगे जाने की पोजिशन में रहोगे। सो प्लीज डोंट मतलब ये मोटिवेशन से ज्यादा मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने खुद भी 2, 3, 4 रेस्टोरेंट खुद के बनाए हैं और बंद भी किए हैं, नहीं चले हैं, फ्लॉप भी हुए हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक आदमी हर एक रेस्टोरेंट डालने के बाद वो चलता ही है। वो जो सक्सेस और फेलियर है
फेलियर होने के बाद में उससे सीखता है और वो आगे बढ़ता है. तो यू डोंट यू नीड होटल मैनेजमेंट डिग्री और बिजनेस लीनेज. ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको होटल मैनेजमेंट डिग्री या फिर बिजनेस लीनेज चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको बेसिक्स डिसीजन के बारे में अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद ही आप आगे जाएंगे. जब तक आप खुद का वो बेसिक खुद के ऊपर बिलीफ ना हो तब तक आप आगे नहीं जा पाएंगे. सो ये चीज आपको मास्टर अगर करनी है, आपका खुद का रेस्टोरेंट अगर खोलना है, तो आपको मेंटोर की जरूरत पड़ती है. ये जो वर्ल्ड फेमस मेंटोर है, इनका नाम टोनी रॉबिन्स है. ये एक सेशन का $1 million लेते हैं एक दिन का उनका इसका. और वो हमेशा कहते हैं कि इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू फाइंड हु हैज अचीव द रिजल्ट. You want to copy what they do and you will achieve the same result. इसका मतलब ये है कि अगर आपको successful होना है तो आपको एक दूसरे बंदे को find out करना है. जैसे कि मैं हूँ, we are successful in our restaurants. तो मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि ऐसा कीजिए, वो success के जो steps बता रहा हूँ वो आपको follow करने हैं, तो फिर आप जाके successful होंगे. और success always leaves clues. Success जो है वो हमेशा पीछे footsteps छोड़ते हैं और सक्सेस के फुटप्रिंट्स को आपको फॉलो करना है तो फिर आप सक्सेसफुल होंगे. और सेकेंडली यू हैव टू फॉलो अ प्रूवन मेथड. जो मेथड हम लोगों ने बनाई है, जो हम लोग खुद के रेस्टोरेंट्स ओपन करने के लिए बनाते हैं, उन चीजों को आप हमेशा फॉलो कीजिए, तो ही आप जाके उन चीजों को यूज करके आपका खुद का सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चालू कर सकेंगे. जो चीजें हम लोग आपको बताते हैं, मैं बोलिए या फिर कोई भी और बोलिए, जो खुद कर रहा है इस चीजों को, उसको उन्होंने ऑलरेडी ट्रायल्स एंड एरर्स करके ये एक्सपीरियंस लिया होता है. इसके लिए वो जब भी आपके पास जब भी वो फुटस्टेप्स आता है तो इट इज वेरी इजी टू बिकम सक्सेसफुल. सो कीप काम एंड फॉलो द सिस्टम. जैसे कि कल परसों हम लोग तीन चीजों को कवर करेंगे. शांति रखिए और आपका एक के बाद एक स्टेप्स फॉलो कीजिए. आज मेरा ओवरव्यू यही के खत्म होता है, ज्यादा कुछ आज कहने को है नहीं. सो ये वाला लिंक जो है, ये लिंक में आपको ये जो पीडीएफ में भी है, ये लिंक में आपको व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा. ये लिंक पे जाइए और आपके जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को आप सोच समझ के इसमें टाइप कीजिए. अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो हिंदी में टाइप करके कॉपी पेस्ट कीजिए. अगर आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो इंग्लिश में टाइप कीजिए. व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड योर डिजायर्स. आपके ड्रीम्स और डिजायर्स क्या है, आपको क्या लगता है कि आपका लाइफ आगे कैसा होना चाहिए, वो उसके बारे में. व्हाट आर योर मेजर फियर्स. किस चीज के बारे में आप डरते हो, कि कौन सी चीज है जिस चीज को आपको रोक रही है, जो आपको रेस्टोरेंट बिजनेस अचीव करने में. सो ये सब चीजें आपको जॉट डाउन करनी है वो होमवर्क की शीट में. और व्हाट आर योर गोल्स इन द कमिंग 5 to 10 years. आपके 5 से 10 साल में आपके गोल्स क्या क्या है. जब तक आप ये सब चीजें खुद आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप इन चीजों को खुद एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक आप इन चीजों को पाएंगे कैसे. जैसे कि अगर मान लीजिए आपको गोवा जाना है, तो आपको गोवा जाने के लिए एक रोड जब भी आप पकड़ेंगे और डिसाइड करेंगे तो ही आप गोवा पहुंचेंगे. सिर्फ मन में बोलेंगे कि भैया मुझे गोवा जाना है, तो आप गोवा नहीं पहुंचने वाले. सो गोल्स हैव टू बी रिटन. ये जो चीजें हैं ये आपने करनी है और इससे प्रूव होगा कि आप रियली सीरियस है इस चीज के बारे में. अदरवाइज आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे और 5 या 10 साल कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा. सो व्हाट आर योर गोल्स इन द कमिंग डेज. कौन से गोल्स है वो भी आप लिखिए. गो टू दिस लिंक एंड फिल योर आंसर. ये लिंक पे जाइए, आंसर्स फिल कीजिए. उसके बाद आंसर जो भी आप फिल करके सबमिट करेंगे तो एक आपको ये आएगा, मतलब एक मैसेज आएगा जो मैं आपको बताता हूँ क्या मैसेज है वो. ये देखिए, ये वाला फॉर्म है आपका व्हाट्सएप क्लास. वो जो लिंक क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म खुलेगा. ये वाला फॉर्म खुलने के बाद आप जब भी इसको सबमिट करेंगे नीचे, तो ये वाला मैसेज आएगा. ये वाले मैसेज पे जाके आपको ये बिटली का ये वाला जो लिंक है, ये लिंक क्लिक करना है. और ये जो लिंक आप जब भी क्लिक करेंगे, ये मेरे को मलयाली में क्यों आ रहा है, एनीवेज ये शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. बट ये जो लिंक करेंगे तो आपको कैनवा का एक टेम्पलेट खुलेगा. वो टेम्पलेट में आपको खुद का फोटो डालना है कैनवा में जाके, और खुद का फोटो डाल के आपको वो अवार्ड जो है वो कल हमारे जो अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो ग्रुप में आपको शेयर करना है. ठीक है, सो इतना एक कीजिएगा.
कल सुबह 10 बजे मिले, 10:30 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, और कल शाम को 6 बजे आपको लोकेशन के बारे में जो वीडियो है वो शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये वो लाइव नहीं होगा, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसके जाइए सीरियसली उसको लीजिए, और उसके बाद जो होमवर्क है वो उसका भी लिंक आपको दिया जाएगा। फिलहाल आप ये वाला कीजिए, एंजॉय कीजिए, एंड वी विल मीट एट 10:30 AM टुमारो। या जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक मैंने ये वाला शेयर कर दिया। यस, सो वी विल मीट टुमारो एट 10:30 AM। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। बाय बाय। आज का ब्रॉडकास्ट यही खत्म होता है। बाय बाय।